मैं हूँ सूर्य पुत्र शनि। शनि देवता, अपना परिचय भी दे डालो। मैं आपके पिता का शिष्य हनुमान हूँ। तुम मेरे बंधु हो। पहले मैं आपको बंधन मुक्त कर दूं। जय श्री राम। अब आप मुक्त हो गए। हनुमान, तुमने मुझे मुक्त किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरी शनि दशा से मुक्त रहेगा। बड़ी कृपा। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। शनिदेव के कहर से राहत देने वाले बजरंगबली की पुरातन मूर्तियों में से एक, जिसके पीछे कई रहस्य छुपे हैं। एक हाथ सीने में तो एक हाथ सर पर और एक पैर अनंत भूतल में समाया हुआ है, जिसकी गहराई स्वयं कोरिया रियासत के राजा स्वर्गीय रामानुज प्रताप सिंह देव भी सन 1923-1924 में नहीं आंक पाए। सिरोली के हनुमान मंदिर के नाम से प्रख्यात बजरंगबली की यह मूर्ति आज के युग में सिरौली ग्राम पंचायत में चमत्कारिक दक्षिणमुखी हनुमान जी की पुरानी मूर्ति स्थित है। वैसे तो देखने में हनुमान जी की सभी मूर्तियां एक समान ही लगती हैं, पर सिरौली के हनुमान जी की मूर्ति की बात ही कुछ खास है। कहते हैं हनुमान जी की मूर्ति को राजा साहब कहीं और स्थापित करना चाहते थे, किंतु उनकी यह लालसा कभी पूरी नहीं हुई। जबकि मूर्ति को अन्यत्र स्थापित कराने के लिए कोरिया के राजा साहब रामानुज प्रताप ने कई कोशिशें की, मजदूर लगवाए, बहुत प्रयास किया, पर हनुमान जी के एक पैर का थाह लगाने में असमर्थ रहे। स्थानीय लोग बताते हैं कि उस दौरान जितना भी नीचे खुदाई किया गया पर एक पैर वस्तु स्थिति से अवगत कराया था, तभी से राजा साहब मूर्ति को कहीं और ले जाना चाहते थे, परंतु वे सफल नहीं हो सके। अंततः मूर्ति की स्थापना उसी स्थान में कर पूजा आरंभ किया गया। तब से अब तक लगातार पूजा जारी है। मंदिर में पुजारी का भी 2 वंश समाप्त हो गया है और स्वयं पुजारी भी 72 सालों से मंदिर में पुजारी की भूमिका में मौजूद है। पुजारी ने हनुमान जी के चमत्कारों को अपने सेवा दिनों में कई बार अनुभव और महसूस किया है। मूर्ति में हनुमान जी का एक हाथ सर पर तो दूसरा हाथ छाती में है और एक दाया पैर जमीन में धंसा हुआ है, जिसकी गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। सिरौली के हनुमान जी के प्रति लोगों की आस्था सालों से जुड़ी हुई है। देश विदेश से भी लोग यहां आकर हनुमान जी के
करती है और यही कारण ही सिरौली के हनुमान जी की मूर्ति की ख्याति को दूर दूर तक पहुंचाती है। कहते हैं यहाँ से किसी की मन्नत अधूरी नहीं रही, जिसने जो मांगा वो पाया। यहाँ तक कि नेता भी चुनाव में जीतने का आशीर्वाद मांगते हैं। रंग से राजा तक सभी हनुमान जी के सामने नतमस्तक रहते हैं। हनुमान जयंती पर मंदिर प्रांगण में कई आयोजन किया जाता है, लोग दूर दूर से आते हैं, पूरे मेले जैसा माहौल बना रहता है। भोग भंडारे की भी व्यवस्था की जाती है, जिसका आनंद सभी भक्त लेने पहुँचते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन। हनुमान मूर्ति का रहस्य और मूर्ति की उम्र का पता नहीं लगाया जा सका है, पर कहते हैं कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सिरौली के दक्षिण मुखी हनुमान जी चमत्कारी हैं। जियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।